हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का अध्याय 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्राचीन भारत में शिक्षा। ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिक्षा शास्त्र में। पहले ये जो चैप्टर का नाम हुआ करता था वो हुआ करता था वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा, लेकिन इसका नाम बदलकर प्राचीन भारत में शिक्षा कर दिया गया है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है एजुकेशन इन एसेंट इंडिया। एसेंट इंडिया, ये प्राचीन भारत में शिक्षा है। और इस चैप्टर का आज हम पूरा एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन व्याख्या करने वाले हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर। सबसे पहला जो दिया हुआ, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, चैप्टर का नाम पहले हुआ करता था वैदिक कालीन शिक्षा। तो उनके बारे में आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यानी आपको थोड़ा परिभाषा इसका देना होगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ लिखिए, तो ये आपका अर्थ है। तो अर्थ के बारे में चलिए हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है। देखिए, भारतीय इतिहास में वैदिक काल उस काल को कहा गया जिसमें वेदों की रचना हुई थी। भारतीय शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से ही आरंभ होता है। वैदिक काल की अवधि के संबंध में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न विचार हैं। यहाँ पर वेदों के विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। और वेद क्या है, चार प्रकार के होते हैं। वेद क्या होते हैं स्टूडेंट, चार प्रकार के होते हैं। काफ़ी बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, कौन कौन से वेद होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट होता है ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि वैदिक कालीन शिक्षा का समय ईसा पूर्व छठवीं, यहाँ पर देखिए छठवीं सदी तक माना जाता है। छठवीं सदी तक क्या है, माना जाता है। इसमें थोड़ा और पॉइंट में ऐड करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि वैदिक काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। जीवन की अवधि को 100 वर्षों का मान करके चार भागों में विभाजित किया गया था। यानी जीवन के जो आपका एक प्रकार से जीवन, यहाँ पर देखिए जीवन की अवधि को 100 वर्ष का मान कर, यानी 100 वर्षों का मान कर ही चार भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से वो भाग हैं हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक और किस उम्र के लिए अप्लाई होता था, ये आप समझ लीजिए। जैसे देखिए 25 वर्ष की उम्र तक ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का होता है अर्थ होता क्या है, 25 वर्ष के जो उम्र के एक मनुष्य होता था 25 वर्ष के उम्र तक, उनके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद में देखिए गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक जो होते थे इनके लिए था गृहस्थ आश्रम। और उसके बाद में तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक के पुरुष के लिए था। उसके बाद में चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम यानी 75 से मृत्यु तक, यानी 100 वर्ष की यहाँ पर अवधि बताई गई थी, तो 75 से जो मृत्यु तक क्या होता था, ये संन्यास आश्रम यानी संन्यास पर लोग निकल जाते थे। कब निकल जाते थे, वैदिक काल के समय। ये सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें पॉइंट जो ऐड किया गया है, ये पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाए कि इसके बारे में थोड़ा बताइए, किसके बारे में, वैदिक काल में जो चार भागों में विभाजित है जीवन की अवधि, इसके बारे में आपको इस तरह से बताना है जो ये दिया हुआ है। समझ में आ गया, इस तरह से आपको डिटेल में समझाना है एग्जामिनर को। आगे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिलहाल आप चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंट है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ या कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। यानी इसी प्रकार जो क्या है, मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ या कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, ये हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन तथ्यों का वर्णन यहाँ पर केवल शिक्षा के संबंध में क्या है, किया जा रहा है। जो केवल क्या है, शिक्षा का जो संबंध है, इसमें ये तथ्य का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें देखिए वैदिक काल में शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए हमने अभी तक तो वैदिक काल के बारे में आपको बताया कि वैदिक काल क्या होता है, वैदिक काल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में वेद कितने प्रकार के होते हैं,
समझ में आ गया। और जीवन की अवधि में 100 वर्षों का जो विभाजित है, यानी 100 वर्षों का अवधि वर्ग जो विभाजित किया गया, कितने वर्ष का कौन सा आश्रम होता है, कौन सा वो होता है, यानी अवधि होती है, इसका नाम क्या होता है, आश्रम कौन सा होता है, ये हमने आपको बताया है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ, यानी जो वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ होता था वो क्या होता था, ये देखिए। इसके बाद देखिए वैदिक काल अभी चल रहा है, उसके बाद में हमारा आ जाएगा बौद्ध काल, कौन सा आ जाएगा, बौद्ध काल। उसके बाद में आपका आ जाएगा मुस्लिम काल, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, मुस्लिम काल ही कहते हैं, मध्यकाल, हाँ मध्यकाल उसको कहते हैं, वैदिक, बौद्ध और मध्यकालीन शिक्षा। तो वैदिक काल शिक्षा का अर्थ देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का व्यापक अर्थ स्वीकार किया गया है, अर्थात शिक्षा का सर्वगीण एवं संतुष्ट विकास करती है। यानी यहाँ पर देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ स्वीकार किया गया है, अर्थात शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का क्या है, सर्वगीण एवं संतुष्ट विकास करती है। इस काल में शिक्षा को विद्या कहा जाता है, किस काल में, यहाँ पर देखिए वैदिक काल में शिक्षा को क्या कहा जाता है, विद्या कहा जाता है। समझ में आ गया, आप डिटेल में समझ लीजिए। और इसका आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको वो बना लेना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स जब आप बनाए रहेंगे तो आपको काफ़ी एक प्रकार से हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, जब आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएगा तब आप इसी से क्वेश्चंस को अपना याद करेंगे और बोर्ड के पेपर में जाकर लिख कर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए वैदिक काल में शिक्षा का जो अर्थ था, इसमें जो शिक्षा शास्त्री है डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ का परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार बताया गया है, यहाँ पर देखिए वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का अभिपर्याय प्रकाश का स्रोत से रहा है और वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्ग क्या है, आलोकित करता है। विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, हमारा जो मार्ग है वो आलोकित करता है। समझ में आ गया। तो ये डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार वैदिक शिक्षा का परिभाषा था, जो कि इस तरह से था। आप लिखते चलिएगा, नहीं तो आप क्या है वीडियो को रोक रोक कर सारी चीज़ें लिख लीजिए, नोट्स बनाते जरूर चलिएगा, नहीं तो आपको पेड नोट्स लेना है। एक प्रकार से आप नहीं बनाना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, फिर आप क्या है नोट्स ले सकते हैं। 149 में 3 आपको नोट्स दे दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश का छोड़कर, उसका अलग मैं दे दूंगा आपको, बस 3 सब्जेक्ट का आपको दे दिया जाएगा जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आप जान लीजिए, हमने अर्थ तो पढ़ लिया, अब इसका उद्देश्य क्या है, फिर इसका प्रणाली भी हम जानेंगे। तो देखिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं, शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है ईश्वर भक्ति, ब्रेकेट में है मोक्ष प्राप्ति तथा धार्मिकता, यानी जो ईश्वर भक्ति है इसमें मोक्ष प्राप्ति होती है। ईश्वर की जब हम भक्ति करेंगे तो उसमें हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और धार्मिकता के प्रति हमारा जागरूक होगा, यानी हम धार्मिक चीज़ों के ऊपर हमारा ज़्यादा बल होगा। दूसरा है यहाँ पर देखिए चरित्र निर्माण, हम क्या करते हैं वैदिक काल में अपना चरित्र निर्माण करते हैं, अपना एक प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अपना चरित्र एक प्रकार से कहते हैं ना, सक्सेस के लिए मेहनत करना, पढ़ाई के लिए मेहनत करना, रिजल्ट के लिए मेहनत करना, सेम चरित्र निर्माण भी उसी प्रकार से होता है। ज्ञान व अनुभव पर बल पल पाना, यानी जब हम पढ़ाई करेंगे तभी ना हमें अनुभव होगा ज्ञान और अनुभव का, तो वो ज्ञान और अनुभव पर बल पाना। फिर यहाँ पर देखिए चौथा है चित्त वृत्तियों का निरोध यहाँ पर हो गया। उसके बाद में देखिए आध्यात्मिकता का विकास, 5 नंबर है। 6 नंबर है कर्तव्य का पालन करना वैदिक काल में। उसके बाद में 7वां है संस्कृत का संरक्षण, और हमारा 8वां आ जाता है व्यक्तित्व का विकास। ये कुछ 8 प्रकार के वैदिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब यही क्वेश्चन आपका 10 नंबर का इसमें पूछा जाता है, विस्तृत उत्तरीय का, किसका स्टूडेंट, विस्तृत उत्तरीय का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए पूछ लिया गया तो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं चरित्र निर्माण के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि वैदिक काल में चरित्र निर्माण को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में चरित्र निर्माण के गुण विकसित किए जाते थे, उनमें नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न की जाती थी और सच्चरित्रता का सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। अब इसके बारे में मैंने थोड़ा लिख दिया है,
तो ये हमारा हो गया, आगे जब लिख देंगे तो 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन मान लीजिए ये आपका अति लघुत्तरीय में पूछा गया जो कि 4 नंबर का होता है, बस आप इतना लिख दीजिए कि पूछा जाए कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य पर टिप्पणी लिखिए, तो ये आप इतना लिख दीजिएगा, मेरी गारंटी है वो आपका 4 नंबर देकर ही जाएगा एग्जामिनर, बस आप इतना लिख दीजिए। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं वैदिक शिक्षा की प्रणाली क्या है, परिभाषा देख लेते हैं इसका। सबसे पहले देखिए, वैदिक काल में वर्तमान समय की तरह विद्यालय नहीं थे, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, सरकारी विद्यालय यानी गवर्नमेंट विद्यालय और क्या है प्राइवेट विद्यालय भी उपलब्ध है प्रेजेंट टाइम में, काफ़ी सारे विद्यालय हैं, तो काफ़ी जो यानी दोनों में विद्यालय यानी दोनों जो विद्यालय हैं प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के दोनों में काफ़ी बच्चे होते हैं। तो अब देखा जाए, देखिए वैदिक काल में वर्तमान समय की तरह विद्यालय नहीं थे, वहाँ पर क्या होता था स्टूडेंट, वैदिक काल में क्या होता था ये आप लोग बताइए, गुरुकुल होता था। गुरुकुल होता था, याद रखिएगा, गुरुकुल में क्या है जो वहाँ के शिष्य होते थे जो उनको क्या कहते थे, गुरुकुल में जो पढ़ने वाले को उनको अंतेवासी कहा जाता था, याद रखिएगा। तो समय की तरह विद्यालय नहीं थे बल्कि गुरुओं के आश्रम में यानी जो गुरुकुल होता था उन्हीं के आश्रम में अंतेवासी जो कि वैदिक काल में पढ़ने जाया करते थे। यहाँ पर देखिए, इसमें है वैदिक शिक्षा की प्रणाली में है कि स्थायी रूप से रहकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे, कहाँ पर, गुरुओं के आश्रम में जो अंतेवासी यानी जो छात्र रहते थे वो क्या शिक्षा प्राप्त करते थे, छात्र माता पिता एवं परिवार से अलग होकर गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करना होता था, प्राप्त करना था इनको, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से एक प्रकार से माता पिता से अलग होकर आश्रम में यानी गुरुओं के आश्रम में रहकर वहाँ पर पढ़ाई करनी होती थी। समझ में आ गया, यह वैदिक शिक्षा की प्रणाली है। इसमें एक और हेडिंग आ गया है, नया हेडिंग, और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताइए। जैसे कि गुरुकुल मैंने आपको बताया क्या होता है, गुरुकुल होता है यानी आपका जिसमें विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया, तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं जान लीजिए। सबसे पहला है शैक्षिक स्वायत्तता, शैक्षिक स्वायत्तता ये क्या होता है ये थोड़ा मैं आपको बता दूं। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा का बाह्य नियंत्रण में पूरी तरह ये मुक्ति थी शैक्षिक स्वायत्तता की, और इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें यद्यपि राजे यद्यपि यानी जो राजा महाराजे गुरुकुल की हर प्रकार की सहायता करते थे, परंतु उनमें नियम कानून इस संस्थाओं पर लागू नहीं थे। गुरुकुल के प्रमुख आचार्य के आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया जाता था, शिक्षक स्वतंत्र होकर कार्य करते थे, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ब्राह्मणों के अधीन थे यानी जो ब्राह्मण थे उसके अधीन थे, ये शैक्षिक स्वायत्तता का क्या है अर्थ है। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा, यानी यहाँ पर सार्वजनिक शिक्षा दी जाती थी, निःशुल्क यानी कोई भी पैसे कोई भी धन नहीं लिया जाता था। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए तीसरा है अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं। अब देखिए अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं कैसे होती थी, जैसे सबसे पहला आपका चरण हो गया। चरण में क्या होता था कि इसमें एक शिक्षक यानी इसमें जो एक शिक्षक होता था एक वेद की शिक्षा देता था। जैसे अब प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए आपके पास 12th में है 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होता है, बाकी का 3 सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से क्या है ले सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से चरण में होता था कि जो एक शिक्षक होते थे एक गुरु होते थे वो एक ही वेद को पढ़ा सकते थे। समझ में आ गया, एक ही वेद शिक्षा देते थे। दूसरा है घटिका। यहाँ पर देखिए घटिका, घटिका का क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि इसमें कई शिक्षक धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करते थे, इसमें उच्च शिक्षा प्रदान किया जाता था। तीसरा है टोल, टोल में कि इसमें केवल एक शिक्षक संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था, टोल में जो एक भाषा होता था संस्कृत का उसमें ये दिया जाता था। चौथा आपका परिषद आ जाता है, परिषद में कि इसमें लगभग 10 शिक्षकों की एक परिषद होती थी जिसमें कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और आपका यहाँ पर आ जाता है पांचवा, यहाँ पर देखिए चतुष्ठी, चतुष्ठी क्या होता था इसमें, चतुष्ठी का अर्थ आप थोड़ा जान लीजिए,
इसमें होता था कि इसमें एक शिक्षक दर्शन पुराण, जो दर्शन पुराण विधि तथा व्याकरण, इन चारों विषयों की शिक्षा देता था। इन्हें ब्राह्मणी विद्यालय भी कहा जाता था। ये अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं थी, किसमें? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में। समझ में आ गया स्टूडेंट? ऐसे ही आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तब आपको ऐसे ही इसके बारे में डिटेल में समझाना है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं में चौथा था विशेष विद्यालय, यानी वहाँ पर विशेष विद्यालय होते थे। समझ में आ गया, गुरुकुल में। उसके बाद में देखिए, विशेष विद्यालय यानी पहले की तरह देखा जाए तो वर्तमान समय में विद्यालय को वहाँ पर कमी थी, लेकिन विशेष एक प्रकार से विशेष गुरुकुल होता था। विशेष विद्यालय यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर गुरुकुल आप समझ लीजिए, गुरुकुल। पांचवा है विद्यार्थी की दिनचर्या वहाँ पर होती थी, यानी दिनचर्या सुबह से शाम तक उन्हें आश्रम में ही रहना पड़ता था। छह है भिक्षावृत्ति का भिक्षाटन, यानी जो विद्यार्थी थे यानी जो अंतेवासी थे वहाँ के गुरुकुल में जो पढ़ते थे, वो भिक्षा लेकर आते थे, तभी उनका क्या एक प्रकार से भिक्षा लेकर आते थे, खाना बनाते थे, वही उनका दिनचर्या था, भिक्षा मांगे, पढ़ाई करें और सारी चीज़ें वही उसी आश्रम में करें। सातवां है शिक्षा की अवधि होती थी, यानी शिक्षा किसमें क्या है, एक प्रकार से अवधि होती थी कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी उपनयन संस्कार के पश्चात प्रवेश लेते थे तथा सामान्यतः 24 वर्ष तक की अवस्था तक रहकर विद्या अध्ययन करते थे, इन्हीं की शिक्षा की अवधि कहा जाता है। यानी गुरुकुल में स्टूडेंट, देखिए बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है, किसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि गुरुकुल में पढ़ने के लिए विद्यार्थी को क्या करना होता है, तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, फिर वो क्या है गुरुकुल में जाकर पढ़ सकता है। समझ में आ गया, तो शिक्षा की अवधि भी हो गया। आठवां है पाठ्यक्रम, यानी वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम था वो भी चेंज था। नौ है उपनयन संस्कार होता है प्रवेश लेने के तत्पश्चात। दस है नारी शिक्षा, यहाँ पर नारी शिक्षा भी हुआ करता था और परीक्षाएं भी यहाँ पर दी जाती, जैसे अब हमारे यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है जो कि एक वीक में लिया जाता है, फिर छः महीने पर एक अर्धवार्षिक पेपर होता है, सालाना आपका बोर्ड का पेपर होता है, यानी हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड का पेपर होता है, यानी ट्वेल्थ में है तो इसका पेपर होगा, तो वहाँ पर भी परीक्षाएँ होती थी। समझ में आ गया, ये कुछ शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप जाकर छाप दीजिएगा, लिख दीजिएगा ऐसे ही। चलिए देखते हैं और जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ। देखिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं में यहाँ पर हमने 11 तक बता दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए और है। देखिए जैसे कि 12 नंबर में क्या है दिया हुआ है, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है, मैं थोड़ा आपको स्टूडेंट इसमें बताना चाहूँगा। समावर्तन संस्कार होता था कि इसमें क्या होता था कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर गुरुकुल में ही समावर्तन संस्कार होता था, जिसे आज के विश्वविद्यालयों की दीक्षांत समारोह के सम्मान के रूप में जाना जाता है, यानी एक प्रकार से विदाई के रूप में, क्या के रूप में, विदाई, एक प्रकार से फेयरवेल कहते हैं ना स्टूडेंट, आप लोगों को जानते होंगे जब आप ट्वेल्थ में पास आउट हो जाएंगे, यानी आप अपने विद्यालय से जब आप आपका आखिरी दिन होगा उस विद्यालय में, तो उसी को हम विदाई या फेयरवेल कहते, तो वहाँ पर क्या समावर्तन संस्कार होता था। 13 नंबर है शिक्षण विधि, ये क्या होता था, शिक्षण विधि भी होता था। 14 नंबर है शिक्षण संस्थाओं का समय, वहाँ पर शिक्षण संस्थाओं का समय होता था, जैसे 2 बजे से 6 बजे तक, फिर प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक, ये सारी शिक्षण संस्थाओं का टाइमिंग था। जैसे हमारे यहाँ पर टाइमिंग होता है ना 8 से 1 बजे तक कॉलेज या स्कूल, सेम उसी प्रकार से वैदिक काल में भी टाइमिंग होती थी। 15 नंबर है गुरु शिष्य संबंध, देखिए गुरु शिष्य का संबंध जो इसमें था वो कौन से था, यानी पिता और पुत्र के समान था और बहुत ही मधुर और पवित्र इसमें क्या एक प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध था। 16 नंबर है दंड एवं अनुशासन, देखिए बात की जाए प्यार लाड का तो यहाँ पर दंड भी दिया जाता था और बालकों को एक प्रकार से माना भी जाता था। मानने का अर्थ क्या है कि यानी उनको प्यार भी किया जाता था, अच्छे से उनसे बात की जाती थी और अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया जाता था, लेकिन दंड एवं अनुशासन, यानी अनुशासन में रहकर विद्यार्थी को सारी चीज़ें पढ़ाई करनी होती है और जहाँ पर दंड देने का बात आए वहाँ पर दंड भी दिया जाता है, यानी दंड भी सारी चीज़ें दिया जाता है, जैसा कि अब के कॉलेज और विद्यालयों में होता है। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर याद नहीं किया है और आपके टीचर ने कहा है कि इसको कल याद करके आना है, आप याद करके नहीं गए तो आप दंड के
आप जो है दंड के भागीदारी कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो ये होती थी वैदिक काल में शिक्षण, जो वैदिक काल में प्रणाली थी वैदिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, इसकी विशेषताएं थी। 16 प्रकार की विशेषताएं थी, हमने बता दिया है। आप देख लेते हैं वैदिक शिक्षा की कमियां या दोष। हमने तो अभी तो इनका एक प्रकार से बड़ाई बहुत बतवाली यानी जो देहात के लैंग्वेज में कहते हैं ना स्टूडेंट, कि अभी तो मैंने उसका एक प्रकार से अच्छा वाला गुण बताया है, अब इसका कमियां भी हम बताते हैं, यानी इसके जो कमी है, इसके जो एक प्रकार से दोष है, कमी दोष है, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा समझा दें। देखिए थोड़ा परिभाषा के साथ में हम बताएंगे, यही जो पॉइंट है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में यही सारे पॉइंट्स आते हैं। देखिए वैदिक काल में हिंदुओं के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई तथा अनेक महान विचारकों व सत्य, यहाँ पर देखिए सत्यान्वेषकों ने अपने बौद्धिक चतुर, यहाँ पर देखिए चतुर्य का योगदान दिया। ये समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या है, असमर्थ हो गई, प्रमुख कमियाँ हैं। यह क्या है, असमर्थ हो गए, और इसके जो क्या है कमियाँ हैं वो प्रमुख हैं। किसके, वैदिक शिक्षा की कमियाँ या दोष। अब कौन सी कमियाँ प्रमुख हैं ये देखिए, पॉइंट के थ्रू हमने लिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला इसमें है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। इसमें क्या होती थी, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, धर्म का अत्यधिक महत्व, धर्म का अत्यधिक महत्व देना। तीसरा है शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि करना। चौथा है शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, यानी यहाँ पर शूद्र नहीं पढ़ सकते थे। और पांचवा है जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा। छः नंबर है विचार स्वतंत्र का अभाव और लोक भाषाओं का उपेक्षा। सात नंबर, आठ नंबर है नवीन धर्मों के प्रति हेय दृष्टि, नवीन धर्मों के प्रति क्या है हेय दृष्टि रखना। ये वैदिक शिक्षा की कमियां या दोष हैं, जो कि इस तरह से हैं। थोड़ा हमने क्या है परिभाषा दे दी आपको, यहाँ पर थोड़ा क्या स्टूडेंट परिभाषा हमने बता दिया है। अब देखिए आ चुका है उत्तर वैदिककालीन शिक्षा। उत्तर वैदिककालीन शिक्षा विशेषली ये होता क्या है, इसका पहले परिभाषा देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ विद्वानों ने वैदिककालीन शिक्षा के इतिहास को वैदिककालीन एवं उत्तर वैदिककालीन शिक्षा के रूप में क्या है विभाजित किया। देखिए उत्तर वैदिककालीन, थोड़ा इसका पॉइंट है ये समझिएगा आप। तो उत्तर वैदिककालीन शिक्षा के जो विद्वानों ने वैदिककालीन शिक्षा के इतिहास को बोधकालीन एवं उत्तर वैदिककालीन शिक्षा के रूप में क्या है विभाजित किया है। चैप्टर जो आपका सेकंड आएगा वो बोधकालीन शिक्षा के ऊपर ही आधारित होगा। तो उसके बाद में देखिए उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएँ। उपनिषद जो काल है इसकी शिक्षा की विशेषताएँ देखिए, ये भी एक पॉइंट है, यानी इसी का एक प्रकार से, ये आपका एक प्रकार से हेडिंग है ना, तो इसी का ही पॉइंट है। तो देखिए उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, ऐसे ही आपको भी बोर्ड के पेपर में लिखना है, इस तरह से लिखा है ना। देखिए सबसे फर्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य। इसमें उपनिषद काल में शिक्षा का उद्देश्य भी होता है। शिक्षा पद्धति, पाठ्य विषय, शिक्षा अवधि, यानी शिक्षा की कितनी अवधि होती थी। जैसे कि मान लीजिए 12th में है तो एक साल का कोर्स होता है, सेम उसी प्रकार से वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के टाइमिंग होता था कि इतने साल में विद्यार्थी को एक सब्जेक्ट का, यानी जो क्लास में वो अध्ययन कर रहा है उसको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर देखिए पाँच नंबर है विद्यार्थी की दिनचर्या, छः नंबर है गुरु शिष्य संबंध जैसा कि पिता और पुत्र के समान, और बड़ा ही एक प्रकार से क्या होता है बड़ा ही प्यार वाला वहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध था। और यहाँ पर सातवां है स्त्री शिक्षा। इसमें भी स्त्री शिक्षा जो कि उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएँ में शामिल होती हैं। समझ में आ गया? तो ये उत्तर वैदिककालीन शिक्षा का परिभाषा है, देख लीजिए आराम से। उसके बाद देखिए अब हमारा आ चुका है आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता क्या है। आधुनिक जो भारतीय समाज है इसमें प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता के बारे में बताना है। तो इसमें भी आपको क्या है लाइनिंग के हिसाब से क्या है दिया हुआ है, जैसा कि एक नंबर दो नंबर के हिसाब से, ऐसे एग्जामिनर को ज़्यादा समझ में आता है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है आदर्श मानवता, ये आप हेडिंग जरूर पढ़ लीजिएगा आदर्श मानवता। इसमें भारतीय समाज की प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता में आदर्श मानवता का भी बढ़ाव था। दूसरा है आध्यात्मिक के प्रति आस्था। तीसरा है
आदर्श एवं मधुर गुरु शिष्य संबंध, यानी आदर्श एवं मधुर के तरह गुरु शिष्य का संबंध था, पिता और पुत्र के समान था, जैसे पिता का अपने पुत्र के प्रति एक प्रकार से भाव दृष्ट रहता है, आदर्श रहता है, मधुर प्रेम रहता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध था, किसमें, वैदिक काल में। चौथा है प्रकृति का सुखद वातावरण, जो प्रकृति था इसका सुखद वातावरण भी यहाँ पर होता है। पाँच नंबर है विद्यालयों का नियंत्रण, वहाँ पर गुरुकुल होता था तो वहाँ पर विद्यालयों का नियंत्रण भी होता है, सेम इसी प्रकार से गुरुकुल को ही हम विद्यार्थी कहते हैं वैदिक काल में। प्रेजेंट टाइम में तो विद्यालय कॉलेज, डिग्री कॉलेज, फिर काफ़ी सारी वो हो गए हैं, तो वो वैदिक काल के समय में था। छः नंबर है उपयुक्त विषयों का चयन होता था। सातवां है छात्रों का सदा जीवन तथा उच्च विचार। और आठ नंबर है सराहनीय प्रयास, यानी विद्यार्थी के प्रति गुरुकुल में जो पढ़ने जाते थे विद्यार्थी उनके प्रति सराहनीय प्रयास रहता था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, जो हम सारे क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, डिटेल में समझ में आए। तो यही था स्टूडेंट सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर वाइज मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। फिलहाल यही था आज का फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद में हमारा सेकंड चैप्टर आएगा। सेकंड चैप्टर के लिए कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा।